जब मेरी तरफ देखो वैसे ही जैसे देख रहे थे। जी तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था रिजवान साहब कि सभी अजहर साहब चीफ सिलेक्टर से पूछते थे टीम बनाते हुए, नहीं चीफ सिलेक्टर कौन है, हु इज द चीफ सिलेक्टर, मिसबाह उल हक है, तो टीम कौन सिलेक्ट कर रहा है, हेड कोच कौन है, हु इज हेड कोच, सबको पता है यार अजहर अली तो टीम। अच्छा क्या सभी साहब ईमानदारी से आप ये बात करते हैं कि अजहर अली टीम सिलेक्शन में अजहर अली की कुछ से ज्यादा होगी, ज्यादा सिर्फ लफ्ज यूज किया है मैंने, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि होगी या नहीं होगी, ज्यादा होगी नहीं, बस मेन जो डिसीजन है जितना मैंने पूछा है वो बता दें सिर्फ प्लीज। तो बात ये है कि सारे अजहर अली कर रहे हैं, टीम तो सारी आपकी मिसबा, चीफ सिलेक्टर भी वही है, हेड कोच भी वही है, तो मिसबाह उल हक को आपने बिल्कुल साइड पे रख दिया, वजह यार टीम क्यों? तो सही है ना, मैं तो कहता हूँ टीम सही है, क्या है फिर, मैं इस पे कुछ भी नहीं कहता, अगर टीम सही है तो फिर बात ही फजूल है। आप बताओ क्या टीम खिलाएं फिर, क्या टीम खिलाई है आपने, क्या खिलाएं, क्या यार सोहेल खान आपकी विकेट ले रहा था, जैसे इन्होंने कहा शदाब खान से आपने बॉलिंग नहीं कराई, यासिर शाह को कुछ हो जाता है तो क्या आप काशी भट्टी के साथ जाएंगे, या फिफ्स एंड बट्स पे तो ना जाओ ना, जब होगा तो होगा, अभी तो ये हो गया ना, कुछ हो सकता है, प्लान बी होना चाहिए ना, बात तो ठीक है उनकी। अच्छा ये जो 11 खेले हैं इसमें से आप क्या कहते हैं सोहेल खान को किसकी जगह, असद शफीक क्वेश्चन मार्क नहीं है जी सभी साहब है, अच्छा शान मसूद नहीं मुसलसल काम कर रहा है, दो मैच इनिंग्स आएगी साथ में, ऐसे नहीं आप साथ में सोल्यूशन भी देंगे, ये क्वेश्चनेबल है इसकी जगह ये क्वेश्चनेबल इसकी जगह ये, ऐसे बात करें, असद शफीक की जगह फवाद आलम को होना चाहिए एक मैच कम से कम, और यस और नो यार, अगले मैच का सोल्यूशन दे रहा हूँ ना, अच्छा यस और नो साथ साथ चले, नहीं आप अपना बोले वो यस नो करें छोड़े, असद ही को होना चाहिए, अच्छा जी देन गो विद फाइव बॉलर्स एंड फाइव बैट्समैन वन विकेट कीपर, ठीक है तो असद को आप बाहर कर रहे हैं टीम, मैं बाहर कर रहा हूँ फवाद अंदर है, ठीक है तो पांच बॉलर्स, पांच बॉलर में नसीम शाह जो है ना उससे नहीं हो रहा, इमरान खान सीनियर जो तो है नसीम शाह की जगह व्हाई नॉट नसीम शाह बाहर बैठे, तो नसीम शाह बाहर बैठ जाए उसकी जगह सोहेल खान आ जाए, पांच खिलाने ने तो फिर नहीं, मैं तो पांच बॉलर आ गया, उसकी जगह कोई और बॉलर आ सकता है ना, सारे यही वीक यही ग्राउंड है, फहीम अशरफ क्यों नहीं आ सकता वे, तुसी दो चेंजेस करो ना, हाँ करो, मैं कदों कह रहा हूं नसीम शाह बाहर करो फहीम अशरफ ले आओ, अच्छा एक बॉलर और खिलाओ सोहेल खान, सोहेल खान आवे ना और फहीम अशरफ, ठीक है एग्रीड, ठीक है एग्रीड, बस एग्रीड, फहीम अशरफ और कौन आए, सोहेल खान आए नसीम शाह की जगह, हाँ। और फहीम अशरफ को जिसकी जगह भी आप, मैं वही कह रहा हूँ देखें दो में से एक चेंज करना है या फवाद को बिठाना है, देखें जाकर अगर अगला पूरा मैच होगा हाँ तो फिर आपको पांच बॉलर चाहिए, या अगर अगली फोरकास्ट भी यही है ऑन एंड ऑफ है और मेजर पार्ट ऑफ द टेस्ट मैच जो है वो जाया होना है तो फिर बेशक आप चाहे, लेकिन अगले मैच में नसीम शाह की जगह आपको सोहेल खान को खिलाना ही खिलाना है, नंबर पांच अगर पंजवा बॉलर जरा मोहसिन भाई कह रहे हैं अगर खिलाना है तो वो आप एक ऑलराउंडर के साथ, सभी भाई आपने टॉस जीत के सबसे बड़ा ब्लंडर किया, इस पे कोई नहीं मान रहा, इन दिस कंडीशन आपने इन कंडीशंस को जाया कर दिया, आपको बॉलिंग करानी चाहिए थी, अगला मैच यार इसी ग्राउंड में मैच है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, फिर आप लोगों ने बाद में कहना है तीन दिन बाद मैच शुरू हो जाना है, मेरी बात सुन लें, आपको पांच बॉलर्स के साथ सभी भाई जाना चाहिए ताकि आपके लिए आप डू और डाई है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज द सीरीज, भाईजान 150 ओवर भी नहीं हुए पूरे मैच में, 150 ओवर नहीं हुए तो फिर भी टॉस जीत के चलो ठीक है करना चाहिए था फैसला, आप बॉलिंग पे भी आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कल चार तो उन्होंने आउट कर दिए, हालांकि वो आप कह रहे हैं कि पार्ट टाइमर भी लगा दिए उसमें, तो आप रिजवान भाई देखें जो पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने जो ठीक है मैच आप जीत गए चार आउट करके, यार वो केड़ा जीत गए ऐसे नहीं जीते, तो जीत यार कमाल गल्ला कर रहे हैं, ऐसे 1-0 डाउन ना, और यार 150 ओवर भी नहीं हुआ था मैच किवें जीत जाते, चलो ठीक है भाई जान ए तुसी फैसला करो जी, मैं इससे कोई गल नहीं कर सकता, एक 150 ओवर भी नहीं हुए पूरे मैच में पांच दिनों में, तो फिर क्या हम यार अगर आप पहले बॉलिंग करते आप उनको 150 पे उड़ा देते, आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे, क्या गारंटी है इसकी, मैं गारंटी देता हूँ आते साथ आपने बॉलिंग की, बॉल किस तरह घूम रहा था परसों, कल 80 पे खड़े हुए, परसों की बात करें तो आप पूरे मैच की बात करें, एक दिन का एक दिन तो पूरे मैच में आप बॉलर कम गए ना, नसीम शाह से पांच ओवर कराने थे, अगर सभी साहब पूरी इनिंग्स होंगी पांच मर गए सो ना तुसी, त्रै बॉलर ना, जब मैच का नतीजा ही जीरो है तो फिर उसने करा लिए दो तीन ओवर, तो कौन वही तो उसे कराने चाहिए थे फिटनेस दिखाने के लिए, ये बात मुझे ना, चलो ये बात सही है, ठीक है भाई वो ये बात पॉइंट आ गया कि उसको फिटनेस के लिए अच्छे ओवर करवाने चाहिए थे, ये वो अब आप बताएं, पाकिस्तान तो रोल रुला के 200-225 कर रहा है, तो आप एक मजीद बैटिंग बैट्समैन कम क्यों कर रहे हैं, आप मुझे इसका लॉजिकल जवाब दीजिए, यार आपकी मेंटालिटी क्या है,
क्या है? आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाते हैं, आपके छठे बैट्समैन ने किया क्या ये तो मुझे बता देना पहले, फिर मैं आपसे आगे बहस करूं। यहाँ पे आप एक बॉलर कम किया कि आप बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, यही पॉइंट है ना आप दोनों का, यही पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद नसीम शाह भी आपसे बॉल नहीं हो रहा, अगर इसकी बात को लेके चले 90 ओवर करने होते सभी साहब, फिर क्या होता? मैं ये तो दसो ना, मैं ताड़े को बैटिंग दा पूछन दे आके यार, बैटिंग तो नहीं चली ना 6 में, यही तो मैं कह रहा हूं, साथ में कह रहा हूं, साथ में यार 6 बैट्समैन थे, सातवां कीपर था रिजवान, 6 बैट्समैन की बात करो, 6 बैट्समैन और एक विकेट कीपर, ये मिला के अगर 225 कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं आप क्यों कह रहे हैं कि मजीद एक बैट्समैन कम करें? यार देखो, असर नहीं कर रहा, असर शफीक नहीं कर रहा, शान और कट कर दिए यार, सुन तो लेना यार, बोले शान मसूद और आबिद में से एक कर लेता है थोड़े, एक नहीं कर रहा, तो बात ये अगर एक कर रहा है एक नहीं कर रहा है, ये क्या हो रहा है? लेकिन देखें, अब ओपनिंग को तो नहीं छेड़ना, मैंने तो नहीं कहा ओपनर छेड़े, ओपनर को नहीं, मैंने नहीं कहा छेड़े, आपकी बात में वजन था, अजहर अली अगर एक नंबर पीछे आ जाएगा तो उसकी शान इज कोई फर्क पै जाएगा। और वो क्रॉली जो है ना, वो काफी लोगों ने मैसेज किया है कि वो नंबर 3 पे ही आते थे, 3 पे ही आते थे यार, रूट 3 पे आता था फिर 4 पे गया, ऐसा नहीं होता था कि रूट हमेशा ही 4 पे आता था, ये देख लें आप उठा के, हमेशा ऐसे नहीं था लेकिन सिर्फ वेस्ट इंडीज की सीरीज में ऐसे ही था, लेकिन उससे पहले तो रूट वन डाउन ही खेलता आया। देखिए, अगर ब्रॉड बार बैठ सकता है सभी साहब, एंडरसन बार बैठ सकता है, तुम्हारे कोल केड़े ऐसे सूरमा ने जेड़े बार नहीं बैठ सकते, फॉर गॉड सेक्स, सीधी गल दसो, कहने है ना कि फैसले करने में कमजोरी है, ते मिसबाह लाग के तुम्हारा चीफ सिलेक्टर ते हेड कोच है, क्यों नहीं दस रहे हो? ठीक है, कमजोरी है ये। फवाद और क्या कहते हैं जी, असद और अजहर दोनों को बाहर निकाल दें, आप मुझे उनकी जगह पे जो टीम में दो आएंगे उनका नाम बताएं। मैंने कब कहा फवाद और असद दोनों को बाहर निकाल दें? असद और फवाद एक मैच में आया है, और अजहर को छोड़ दें आप, अजहर की तो बात ही नहीं, मैं आप कर रहा हूं ना, बाहर निकाल दें और दो उनके जगह के अंदर डालें, दो निकाल दिए आपने, नसीम शाह और असद, बैट्समैन बैट्समैन यार, एक बैट्समैन निकाल रहा हूँ मैं, एक बैट्समैन निकाल रहा हूँ, उसकी जगह एक बॉलर आएगा, नसीम शाह की जगह भी एक बॉलर आएगा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, और ये बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट है, फहीम अशरफ को खिला लें, जितने रन ये कर रहे हैं उतने वो रन भी कर देगा और आउट भी कर देगा, तो मेरा ख्याल है इनका पॉइंट वैलिड है। ठीक है जनाब, इस पे हमने काफ़ी बात कर ली, और मोहम्मद रिजवान के हवाले से जी, वो मैन ऑफ द मैच आए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, और जो लोग उनको अननेसेसरी क्रिटिसाइज कर रहे थे वो देख लें कि आप बेशक जितना मर्जी बोलते रहे, जो बात अगर प्लेयर अपने मेरिट पर खेल रहा है तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही, किसी का पीआर मैनेजर बनने से कोई खिलाड़ी टीम में आके अच्छा नहीं कर लेगा, ज़बरदस्ती नहीं टीम में घुस जाएगा, परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम में आएंगे जनाब। ठीक क्या भजन, देखो बिल्कुल सही क्या, और जो ये जो फियर अभी बात कर रहे थे मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि शायद T20 ना खेले तो ये पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ब्लंडर करेगा, आप लुक फॉरवर्ड, मोहम्मद रिजवान अब तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, उसको अब लंबा खिलाएं ताकि वो आगे पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम हल हो जाए। अच्छा, लेकिन भाईजान उस दिन इतनी कोई स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं ना T20 का, सर जी स्ट्राइक रेट अच्छा हो जाएगा, कितना अच्छा होता है, खेलेगा तो हो जाएगा, उसका उससे बेहतर है यार, बेहतर की बात ना करें, अच्छा की बात करें, अच्छा बेहतर ही होता है यार, अब एक बंदा खेल रहा है उसको ठीक कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस दें, या तो दूसरे ने कुछ तुरम खान बन के आया हो ना, परफॉर्मेंस से आया हो, करंट फॉर्म में वो है, अब वो कंडीशंस को समझना शुरू हो गया, अब फिर आप चेंज करेंगे, अब आपके ख्याल में जब सरफराज अब खेलेगा तो वो रिलैक्स, वो भी अंडर प्रेशर ही होगा ना, रिजवान उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है, नहीं अब वो देखे ना, वो अगर एक मैन ऑफ द मैच हो गया, अभी अगला मैच पड़ा हुआ है उसमें भी वो रन करेगा, आप उसको कहेंगे T20 मत खेलो, सरफराज को क्योंकि प्रेशर है खिलाना है, तो फिर आप एक गलती, बहुत बड़ी गलती करेंगे। लेकिन भाईजान मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग उसने T20 में खेली हो पाकिस्तान के लिए, बड़े बड़ी आला इनिंग्स है, मैच विनिंग खेली है, ऑस्ट्रेलिया में फिनिशिंग की है, ऑस्ट्रेलिया में ही बिकेम ऑलमोस्ट अ लॉफिंग स्टॉक, ही कुडंट मेंटेन 100 यार, योर फॉर्मर कैप्टन वाज अ लॉफिंग स्टॉक, एक चैंपियंस ट्रॉफी को निकाल दें वन डे में जी, T20 में आप नंबर वन, और किन टीमों को हरा के रहे हैं नंबर वन यार, बस कर दें छोड़ दें, अच्छी टीमों को भी हराया, ऐसी नंबर वन नहीं बन जाता ओकेजनली भाईजान, जो हल्की टीमों को हराए ना तो पॉइंट मिलता है अद्धा, बढ़िया टीमों ने हराया तो फिर पॉइंट मिलते ना ज्यादा, तो वो इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, बड़ी टीमों को भी हराया, टीम्स के साथ नहीं खेल रहे थे आप, हाँ तो फिर ऐसे ना कहेंगे हम ऐसे बच्चों को हरा के नंबर वन बस कर दें, बस कर दें, बस कर दें, कल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, मैं आज बता रहा हूँ, फिर कल आप लोगों को क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे, मेरी बातों को आज आप मजाक समझते हैं तो अगले दिन वो ठीक हो जाती हैं, करते जाएं, ओह यू आर ऑलवेज डिसएग्री, और अल्लाह ताला प्रूव इज दैट कि मैं जो कह रहा हूं तो वो हो जाता है, चलें, नहीं हमेशा भी नहीं होता, अच्छा जी पीर साहब, कभी नहीं होता, पीर साहब देखो ज्यादा सानू तकलीफ है ना,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ ਤੇ ਖੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਖਿਡਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮਿਨਹਾਜ ਅਸਗਰ ਕਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਮਗਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਸੂਰਜ 7:29 ਪੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਵੋ ਜੋ ਹਮਨੇ ਕਲ ਬਾਤ ਕੀ ਥੀ ਆਯੂਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਯਹੀ ਕਹਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸੂਰਜ ਉਸ ਪੇ ਗਰੂਬ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯਾ ਵੋ ਟਾਈਮ ਥਾ ਜਿਸ ਪੇ ਧੋਨੀ ਰਨ ਆਊਟ ਹੂਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਆਪ ਕਿਉਂ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਤਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪੇ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਆ, ਬਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏਂਗੇ ਜੀ 7:29 ਪੇ ਕਿਆ ਥਾ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਧੋਨੀ ਕੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ, ਭਾਈ ਆਪ ਉਸਕੇ 3 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਅਭੀ ਸੇ, ਇਤਨੀ ਉਸਕੀ ਖਿਦਮਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ। ਕੌਣ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਈ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਬਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਧੋਨੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਬ੍ਰੇਨ ਫਾਰ ਗੋਡ ਸੇਕਸ, ਸਮਝੇ ਅਗਰ ਹਮ ਇਤਨਾ ਵੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਕਰਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਥੋਂ ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਸ਼ਜਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਿੰਦਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਫਰ ਹੈ ਸ਼ਾਰਜਾ ਸੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੇ ਦੋਸਤ ਕੇ ਭਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਆ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ੋ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇ ਦੇਖੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋਸਨ ਭਾਈ ਕੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੇ ਕਭੀ ਕਭੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੰਡਾ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ? ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਠੰਡੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕਦੀ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਕੋਚ ਹੈ ਸੰਜੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਵਿਕਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀਜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੰਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਗਏ। ਉਹ ਹੋਤੀ ਥੀ ਉਸਤਾਦ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਨਕੇ ਅੱਗੇ ਚੂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਫਲਾਣੇ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਹਮ ਐਸੇ ਕੂਲ ਰਹਤੇ ਹੈਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਕੂਲ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਿਆਂਦਰੀ ਚਿਵਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪੇ ਮੈਚ ਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਅਗਰ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਟਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਤਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਪਹਿਲੀ ਇਨਿੰਗਸ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਅਬ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਪੇ ਸੋਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਂ ਆਪ ਅਗਰ ਡਰੋਨ ਮੈਚ ਹੈ ਤੋ ਫਸਟ ਇਨਿੰਗ ਲੀਡ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇਂ ਡੇਜ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਯਾ ਬੈਡ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋ 6 ਦਿਨ ਹੋਤੇ ਥੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੈਸਟ ਦੇ ਹੋਤਾ ਥਾ ਤੋ ਅਭੀ ਵੀ ਇਨਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ 6 ਦਿਨ ਕਾ ਹੀ ਮੈਚ ਹੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਆਪ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟਾਈਮ ਅਗਰ 5 ਵਜੇ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਦਿਨ ਮੇਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਤੋ ਲਾਈਟਸ ਕਰੇ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਉਸਕੋ ਔਰ ਆਗੇ ਲੈ ਜਾਏ ਔਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਮੈਜ਼ਰਜ਼ ਕੋ ਹਮੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਡ ਐਗਰੀਡ। ਸਚਿਨ ਗੌਵਰ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਜੂ ਔਰ ਸੈਮਸਨ ਔਰ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਕੋ ਟੈਸਟ ਮੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਅਭੀ ਟੈਸਟ ਆਪਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਸਹੀ ਖੇਲ, ਆਪ ਕਿਆ ਕਹੇਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਸੇ, ਅਭੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇਖੇਂ, ਯੇ ਮਤ ਦੇਖੇਂ ਕਿ ਸੰਜੂ ਕੋ ਏਕ ਚਾਂਸ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਆਧਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਲਾਈਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਯੂਰ ਟੇਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗ੍ਰੈਬ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਆਪ ਕੋ ਯਾਦ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੇਂ T20 ਮੇਂ ਸੁਪਰ ਓਵਰ ਮੇਂ ਓਪਨਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਥਾ? ਗੁਰਦੀਪ ਕੋਹਲੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਬੈਸਟ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੀ ਡਾਲਨੇ ਐਕਸਟਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਵਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਐਗਰੀ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਗਰੀਡ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਮੰਨਤਾ ਹੂੰ ਸਭੀ ਭਾਈ ਆਪ। ਔਰ ਜਤਿਨ ਨਾਥ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵੇਰਾ ਪਾਸ਼ਾ ਕੋ ਵੀ ਬਾਤ ਬੋਲ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਆ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਬ ਉਨਕੋ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤਬਸਰਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਪੇ ਤੋ ਜੋ ਟੀ ਵੀ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ,
तो पॉलिटिशियन आके बोल दे कि भाई जान आपने कभी इलेक्शन लड़ा, आपने कभी कॉन्टेस्ट किया, नहीं किया ना, फिर चुप करके बैठ जाओ साइड पे। इट्स आलिया रशीद को यहाँ पे दें क्रेडिट सभी साहब कि बीबीसी ने उनसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा सिकंदर बस टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारा प्राइड है, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन सिकंदर बाग साहब ने फिर उनको जो है ना, वो यार बात ये, अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेल लिया, बॉलिंग एवरेज क्या थी यार? अच्छा भाई, आप बॉलर थे, आप बैटिंग पे किस तरह टेक्निक पे बात करें? विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर वो ये समझती हैं तो फिर ये वो इन सारे एंकर जो एक्सपर्ट बने हुए हैं उनके साथ क्यों बैठती हैं? वो कहे जी मेरा बायकॉट है, मेरे साथ किसी को बिठाने का टेस्ट क्रिकेट, यस मैन है, वहाँ पे आप ही डबल स्टैंडर्ड तो ना करें ना, यस मैन है, हराम कौशिक है। ये ओवरऑल हमारी सोसाइटी में ना वैसे ही एक आदमी है, खास तौर पे फीमेल्स के उस पे, अगर कोई प्रोग्रेस कर रही हो ना तो ये एक हमारी नेचर ऐसी है कि हमें ये बात हजम नहीं होती। आलिया रशीद एक बहुत बड़ा नाम है, जब मैं क्रिकेट खेलता था उस वक्त ये ग्राउंड पे आके और ये मैच कवर करते हैं। होते थे, तो हमने देखा क्रिकेट के ऊपर जितना उनको अबूर है, ये उस तो जरूरी नहीं है कि वो खेल के क्रिकेट आती है। अगर अगर खेल के ही होती तो दुनिया का जो सक्सेसफुल कोच था वो एक स्कूल टीचर था, जॉन बकैनन, वो एक मैच भी नहीं खेला हुआ। तो ये डिफरेंट चीजें है सारी, जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट क्रिकेटर है कि वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी है, जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उस जमाने की बात बता रहे हैं ना आपके दोस्त मिसबा से। नहीं नहीं, नहीं। ये उस जमाने की बात है जब सभी साहब बिल्कुल तीले अर्गे सी, इतनी पुरानी थे और जब पूरे वाल सन मेरे वाल भी पूरे थे। मैं कह रहा नहीं चाह रहा, मैं कह डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, मैं कह रहा था डिसरिस्पेक्ट ना हो जाए, तुझे आप ही दस देता वाल भी सी उदो ते उस जमाने की वो मतलब डोमेस्टिक में आके क्रिकेट करती। तो हमारी सोसाइटी में आप अपने दिल बड़े करें, इनसिक्योरिटीज में नहीं जाना चाहिए। अगर कोई फीमेल प्रोग्रेस कर रही है तो यू शुड अप्रिशिएट इट। जी मोहसिन भाई, अपने चैनल को लाइक करें, हाँ जी सब्सक्राइब करें। रिजवान के लिए आज आप सब ने ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी इतनी सी भी सुनते हैं, आज आपने सबने कमेंट में एक फूल भी साथ भेजना। क्यों? बस मैं मेरी मर्जी है, तुसी क्यों आंदे हो कौन पूछना है? आज कोई एक फूल भेजना है, ये चिल करे क्योंकि मिर्चा ने मैं भेज दी यार, तुसी फूल भेजना है। हरम कौशिक है जी, यश कुमार है, विवेक जैन है, नेमर 07, ललित चौहान है, जैनम कोत्री है, जीवन खेरल जापान से हैं जी, बहुत आपको लाइक करते हैं जी जापान से, आपको भी थैंक यू। मनोज सिंह है जी, संधु दुबई से हैं जी, मनोज सिंह संधु दुबई से हैं, कहने ने कभी साडा भी नाम ला लिया करो, लैता पाजी लैता जी ताला नाम ला ले। जोबन राय हैं जी, डिंपल भूदपुरी हैं, क्लिपिंग्स फॉर अस, उन्होंने क्लिपिंग्स को हमारे लिए बनाई है, क्लैपिंग फॉर अस, थैंक यू वेरी मच। साहिल जरगदे हैं जी, जितेंद्रा कुमार हैं, राहुल कुमार बिंद, विनोद कुमार हैं, संत कुमार हैं, सुरेश सोलंकी हैं, सैंडी शर्मा हैं, रोहन हैं, निमक जयंती हैं, पुंछ चौपाल दत्ता हैं, बंती खटला हैं, जयश कुंडे हैं, देवेंद्रा ठाकुर हैं, विवेक शर्मा, मैच बॉक्स बदनाम है, मतलब माचिस तो बदनाम है, ये शो आग लगा देता है, वो ये कह रहे नहीं पाजी ना, सी आग नहीं लांदे हां, सी हकीकत दस्सी है। देखो ये स्क्रीन है ना, इधरले पासे हुंदी आग, इधर सुकून हुंदा, हां ठंडा रख के बैठे रहंदे ने, चिल करो मेरा चिकन टिक्का बन जांदा वे। दिलीप सिंह है जी, सागर मंदन है जी, अनिल देशमुख है, जैक जॉन स्मिथ है, अंशु जैती है, अहमद रजा है, सचिन गांधी है, नियाज अहमद है, रेहान खान है, दिलशाद अली हैं, रणबीर बैनर्जी हैं, मोहम्मद आसिफ हैं, पंकज DNA हैं, गुरमीत सिंह हैं, गोपा चौधरी हैं, पुलाग ब्रार पंजाब से हैं जी, सत श्री अकाल भाजी, कप्तान सिंह स्टोक्स वाई नॉट इन फैबुलस लिस्ट, लाला जट जोधपुर से हैं। जी आज दे नाम सन जेड़े रह गए ने, वो फिर आ जाएंगे, ते बाकी इन्हें दोवां वास्ते कोई तुसी मेहरबानी करो, मैं ते बड़ी कोशिश करना का दी कि कोई थोड़ा जा गर्म हो ही जाओ, कोई पिक कर लो। चलो जी जी, अपना रखे ख्याल, सभी अजर साहब दा जी, माई मास्टर क्रिकेट, तुसी बोल लिंक इन डिस्क्रिप्शन, माई मास्टर क्रिकेट कोच को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिल्कुल सही बात है, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो, लव यू ऑल, बाय बाय।